हेलो सिंह बिजनेस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ बिजनेस के रिगार्डिंग, तो अगर आपने मेरी वो सभी सारी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आपने ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले अपना अपना नाम बता दें। देव नारायण। और आप कब से काम कर रहे हो? कम से 30-35 साल हो गए जी करते हुए। जैसे ये बता रहे हैं कि इनको 30-35 साल हो चुके हैं, इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा इसके रिगार्डिंग, तो आपने सर ये काम की शुरुआत कैसे की थी? आपका इंटरेस्ट था पहले या आपने आपके पहले फादर करते थे ये काम? पहले फादर करते थे, साथ में रहते रहते भी हमने भी कर लिया स्टार्ट। और आपने शुरुआत जो ये काम की कैसे की थी, कहाँ से की थी? पहले तो ये जब यहाँ मार्केट में आए थे तो पहले तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे करते 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 फिर स्टार्ट कर दिया ड्राई क्लीन का। और इसमें इस काम को करने में आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इसमें आपको मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, मशीन हो गया, पेट्रोल हो गया, लिफाफे वगैरह हो गए, यही है बस, ज़्यादा कोई है नहीं ऐसे खास, मैन पावर ज़रूरी है इसमें। और जो मशीन की आप बात कर रहे हो, जो मशीन इसमें कौन सी मशीन यूज़ होती है इस काम को, कपड़े जो हमारे वॉश वगैरह करने होते हैं या ड्राई क्लीन करने होते हैं, तो वो मशीन कहाँ से मिलती है, वो कितने की मशीन आती है और उसके आप बता दो लोगों को उसके बारे में। ये मशीन अंबाले में मिल जाती है, चंडी और लुधियाने में मिल जाती है, ये 35-40-50-60 हज़ार के बीच में मिलती है, जैसे आप लेना चाहो मशीन, पर सस्ते में काम स्टार्ट हो जाता है ये। तो इस मशीन की कुछ खासियत की, हाँ इस मशीन की क्या कैपेसिटी होती है और यही मशीन क्या कुछ नाम है इस मशीन का? मशीन तो नाम तो कई हैं वैसे इसके, जैसे कि एक हो गया हैड्रो, हो गया सुखाने वाली मशीन होती है ये, एक ड्राई क्लीन वाली मशीन होती है, उसको टमैको कंपनी की है वो। ओके। और भी कंपनियां हैं जो मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अगर हम इसमें बात करें कि हाँ इसमें जो हमारा मार्जिन वगैरह होता है तो वो क्या हमें सही मिल सकता है इसमें? मार्जिन ठीक है, ऐसी बात नहीं, मार्जिन तो कोई भी काम करो मार्जिन तो सब में ही है, ऐसी बात तो नहीं है, मार्जिन ठीक है। और तो मेहनत तो बहुत है इसमें, जिम्मेवारी बहुत है, अगर कहीं आपको जाना है तो जा नहीं सकते बंद करके, अगर आप जिम्मेदारी से काम करते हो तो, यानी कि बंद किया चले गए कहीं, इसमें कहीं भी है मतलब, अगर जैसे मार्केट क्लोज भी है ना, कोई फ़ोन करता है तो आके देना पड़ेगा आपको सामान, अगर आप जिम्मेवारी समझते हो तो। और इसमें आप होम डिलीवरी भी लोगों को प्रोवाइड करते हो? होम डिलीवरी तो नहीं करते हैं क्योंकि काम अपना यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए होम डिलीवरी जो खास खास ग्राहक है जिनका 2000-4000 का काम आता है, मोटा काम, पक्के कस्टमर हैं, उनको 2-4 को कर देते हैं, ऐसे होम डिलीवरी काम नहीं है। और जैसे आप बता रहे हो अगर आपसे किसी ने काम वगैरह सीखना हो तो आप लोगों को सिखा सकते हो, अगर कोई चाहवान हो इस काम को खोलने के लिए? बिल्कुल सिखा सकता हूँ, बहुत लोग सीखे गए हैं जो आजकल मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो जैसे कह रहे हैं कि अगर आप में से किसी ने भी ये काम खोलना हो तो आप मुझे कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मैं आपको इनसे मुलाकात करवा दूंगा, तो आप ये काम उनसे सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपने शहर में इस काम को कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम है, इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा, जैसे बता रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस काम को करने के लिए, और एक्सपीरियंस के लिए आप इनके पास जब मर्जी आओ, आप इनसे ट्रेनिंग लो, आपको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केमिकल्स वगैरह का यूज़ करना आना चाहिए, मशीन आपको कहाँ से मिलती है वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।